सब्सक्राइब कीजिए हमारे बाबा फिजियोथेरेपी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन सिंह, आप देख रहे हैं बाबा फिजियोथेरेपी चैनल को। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग गूगल पे से अपने मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको रिचार्ज करने की सबसे सरल ट्रिक बताऊंगा। आपको कहीं भी दुकान पर या कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप कितनी भी इमरजेंसी में पड़े हो, आप अपने खुद के मोबाइल से जियो का रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सिम का रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी गूगल पे एप्लीकेशन के द्वारा। दोस्तों मैं आपको रिचार्ज करने की पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होता हो या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन को खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों एप्लीकेशन के सामने, और मैं आज अपने जियो के नंबर पर रिचार्ज करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो ये जो यहाँ पर एक न्यू वाला ऑप्शन आता है, ये ढेर सारे आते हैं यहाँ पर, ऑफर्स आते हैं। अगर कोई ऑफर्स चल रहा है यहाँ पर तो ये ऑफर्स को देख लेते हैं कि 500 रुपये सेंड करो किसी को तो 1 लाख का मतलब लकी ड्रा मिल सकता है, और जो वो होटल के ऊपर भी मिल रहा है, और जो यहाँ पर बहुत सारे आते हैं जैसे कि मैं क्या क्या दिखाऊँ आपको, ट्रेन पर आ रहा है ये मतलब रेफरिंग आ रहा है, 51 रुपये मिलेंगे रेफरिंग पे, तो ढेर सारे यहाँ पर ऑफर मिलते रहते हैं पैसे वाले। दोस्तों अगर इस लिंक को आप, अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, कैशबैक लेना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से आके लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके वहाँ से चाहो तो इंस्टॉल कर लीजिए, और एप्लीकेशन है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस पर मैं रिचार्ज करके आपको दिखाता हूँ कैसे इस पर रिचार्ज करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको, तो अभी तो इसको थोड़ा सा एक बार बैक करते हैं और मैं आपको रिचार्ज करने की पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पर सारा कुछ मतलब आपका ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाया कि आपने किसके पे किया है, कितना किया है और नहीं। तो ऐसा कि दोस्तों ये न्यू वाला ऑप्शन आता है, मैं रिचार्ज करने की पूरी प्रोसेस जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको कि आपका। तो इस न्यू वाले ऑप्शन पे जो है हम लोग क्लिक करते हैं। ये न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन आता है कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, और यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर लिखने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ा देते हैं कहानी को। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद जो ऐसी कहानी आती है, फिर उसको जो है रिचार्ज करने के लिए दोबारा जो है रिपीट रिचार्ज कर देते हैं। यहाँ पर नीचे जो सर्च फॉर प्लान, उस पर इंटर अमाउंट पे आता है कि कितने वाला करना चाहते हैं। तो मैं 399 वाला करना चाहता हूँ, तो इसमें बता रहा है देखो कि 399 में कोई है या नहीं है। तो 399 में तो अभी कोई सर नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्मार्टफोन प्लान आ रहा है 409 रुपये में, और बता रहा है वैलिडिटी 84 दिन की, 399 रुपये का रिचार्ज है, 1.5 GB डेटा, जियो फ्री कॉल, मतलब कि जो भी है इसके टर्म एंड कंडीशन पूरी बता दे रहा है। फिर जो है कह रहा है 409 रुपये का पड़ेगा, और उसको आगे बढ़ाने को कह रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ से रिचार्ज जो कि आप करना चाहो तो हो सकता है, और जो प्रोसेस टू पे आप भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों को ज़्यादा इंटरफेस आएगा, तो इसको बैक करने के बाद में आप लोग अपना रिचार्ज कर सकते। तो दोस्तों मेरा रिचार्ज होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आया, आप लोग भी 399 का कर सकते हो। तो आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का भी रिचार्ज बिल्कुल ठीक से हुआ होगा, और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को परेशानी आ रही हो या समस्या हो रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना दोस्तों, मैं उसका जरूर कोई सजेशन में आपका जो है कि अगली वीडियो बना के लेके आऊँगा उसके ऊपर। तो दोस्तों अब जैसी भी लगी वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करके बता दोस्तों। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।